शुरू हो गया। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टुडे आई टीच यू सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन क्लासिफाई इलेक्ट्रिसिटी इनटू टू पार्ट्स। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, दूसरा करेंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। बात आप लोग समझे? तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत के डिफिनेशन जान ले। दी इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें चार्ज विरामावस्था में हो यानी रेस्ट पोजीशन में और वे स्थिर हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हो, इसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, इससे पहले आपको हमने बता दिया है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो वह चार्ज हो जाता है, तो चार्ज हो जाता है। और या एबोनाइट रॉड को जब हम ऊनी कपड़े से के साथ रगड़ते हैं तो वह भी चार्ज ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये दोनों स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। एंड द लाइटनिंग व्हिच सी इन द स्काई ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जो बिजली चमकता है वह भी उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होते हैं, यानी वह भी एक स्थिर विद्युत का ही उदाहरण है। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दी इलेक्ट्रिक चार्जेज आर इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल है, हम लोग घर में जितने जो बिजली बल्ब या जो भी बल्ब जलाते हैं या बिजली यूज करते हैं वह क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है यानी धारा विद्युत है। सर अब बता दीजिए, तनी अब लिखने दीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? The work done in a moving unit positive charge from infinity to that point is called electric potential or potential. Electric potential का हिंदी होता है वैद्युत विभव या विभव। तो इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय वी, इसे वी से डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसका इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। अब एक बात नोट करने की जरूरत है कि एक वोल्ट होता क्या है। तो वन वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब कि एक जूल कार्य करने में इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वोल्ट कहते हैं।
लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए पोटेंशियल ऑफ ए वोल्ट ऑफ वन वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट वन जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। एक टॉपिक आप अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका अर्थ इन होता है विभवांतर। डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी किया गया कार्य बटा चार्ज की मात्रा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, तो वी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बाय क्यू। यहां डब्ल्यू क्या है वर्क डन है, क्यू क्या है मूविंग चार्ज की क्वांटिटी है यानी मात्रा है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, जिसे वी से डिनोट किया जाता है। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को संकेत के रूप में या सिंबल के रूप में पीडी लिखते हैं। The potential difference between two points is said to be one volt if one joule of work done in moving one coulomb of electric charge from one point to other point। यानी एक volt is equal to क्या होगा, यहाँ work done का unit क्या होता है joule होता है। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया जा सकता है 9th क्लास में कि work done का ऐसा unit joule होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम होता है। तो वन वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वन जूल बाय वन कूलम, या इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल को जे से डिनोट करते हैं और कूलम को सी से। तो वन वी इज इक्वल टू वन जे और सी है नीचे, यानी वन बाई सी, इसको वन बाई सी हम कह सकते हैं। वन बाई सी अर्थात सी इनवर्स, यानी वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कूलम। वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल पर कूलम, बस आज इतना ही।